हेलो दोस्तों, तो आज हम MP3 लैपटॉप योजना 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। जो 10वीं और 12वीं छात्र छात्राओं को फ्री लैपटॉप मिलने वाले हैं। फ्री लैपटॉप आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं और किस तरह से आवेदन कर सकते हैं, उसके बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को 1 से 2 मिनट तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम बात करते हैं कि MP3 लैपटॉप योजना 2024 का क्या क्या बेनिफिट है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऐसे बच्चों के लिए काफ़ी सहयोगी साबित हो सकती है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और लैपटॉप खरीदने में असमर्थ हैं। और साथ ही लैपटॉप की सहायता से छात्र अपनी पढ़ाई को आसान बना सकते हैं और इसके साथ लैपटॉप पर नोट्स बनाने और ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि फ्री लैपटॉप योजना के लिए एलिजिबिलिटी एवं रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए छात्र छात्रा मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए और साथ ही आवेदक को 12वीं पास होना चाहिए, जिसमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी वाले छात्रों को 75% अंक और सामान्य जाति वाले विद्यार्थी को 85% अंक लाना अनिवार्य है। और साथ ही आवेदनकर्ता का परिवार की सालाना आय 60,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसे हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको education.mp.gov.in पर विजिट करना है। उसके बाद आपको शिक्षा पोर्टल पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम फॉर मेरिटेरियस स्टूडेंट के पेज पर पहुंच जाएंगे और वहां आप योजना के योग्यता की जांच कर सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको education.mp.gov.in पर विजिट करना है। उसके बाद आपको शिक्षा पोर्टल पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको लैपटॉप वितरण के ऑप्शन पर चूज करना है और फ्री लैपटॉप योजना के वेब पेज पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप सरकार द्वारा दी गई प्रोत्साहन राशि ई भुगतान की स्थिति जांच कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।